कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भारत के रुख से इतना ज्यादा परेशान हुआ अमेरिका कि अमेरिकी संसद में अब भारत को लेकर हंगामा मचा और अमेरिका की संसद से जो खबर आई है उससे राष्ट्रपति पुतिन जरूर खुश होंगे। जानेंगे अमेरिकी संसद में ऐसा कौन सा बवाल मचाया है अब भारत ने। क्या अब बाइडेन के गुस्से का शिकार बनेगा भारत? है ये होने से पहले ही तीन देशों पर भारत की गाजगिरी है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस ने अभी एक बयान दिया है और ये बयान पूरी तरीके से पलटी मारने वाला बयान है। वैसे आपको बता दें, जो रसिया और यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ है, इसके बाद से फ्रांस के मन में जो उबाल था कि कब नाटो को छोड़ना है, वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अब एक बयान देते हुए ये कहा है कि लोगों को रूस का और रूस के सम्मान की फिक्र होनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। इस एक लाइन में बहुत बात छिपी हुई है। इसका मतलब है कि रूस जो ये कह रहा है कि हमारी सुरक्षा मायने करती है, उसको सम्मान दो, उस पर चलो, रूस के समर्थन में कहीं ना कहीं फ्रांस आ चुका है। नाटो से टूट कर अगर फ्रांस जैसा देश रूस के तरफ आता है, ये बहुत बड़ी बात है। पर अमेरिका को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कैसे उसके अपने ही साथ ही धीरे धीरे बिदक रहे हैं और साथ छोड़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के संसद में बवाल मच रहा है भारत के ऊपर। भारत को लेकर बहुत सारे सांसद बहुत तरह की बातें करना शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत के S-400 पर सेंसन्स लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, काट सा प्रतिबंध लगाओ। क्यों? क्योंकि भारत की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे खिलाफ जाए, हमारे साथ साथ क्यों नहीं चल रहा है भारत? शायद अमेरिका भूल रहा है इतिहास को, लेकिन भारत इतिहास को नहीं भूला है। भारत 1962 के इतिहास को भी नहीं भूला है और भारत 1971 के इतिहास को भी नहीं भूला है। 1962 में भारत ने ये सीखा कि आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। गुप्त निरपेक्ष होते हुए भी भारत को 1962 में उम्मीद थी कि सोवियत संघ आएगा भारत की मदद को चीन के खिलाफ, लेकिन सोवियत संघ ने ये कहा कि भारत मेरा दोस्त है और चीन मेरा भाई है। 1971 में भारत ने ये सीखा कि कैसे अमेरिका किसी को धोखा देता है। जब बांग्लादेश युद्ध में कूदा तो फिर अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट तो भेज दी, लेकिन तुरंत 1971 में जब जंग की स्थिति बनी तो भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची थी अमेरिका। और आपको बता दें, अमेरिका में उस वक्त के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को 2 घंटे इंतजार करवाया था और उसके बाद भी जब वो आए थे तब उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की थी और ये कहा था कि इस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका खड़ा होगा। और ऐसा हुआ भी, अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को भेज दिया। पर उससे पहले जवाब सुनकर इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि यहाँ अमेरिका बहुत ही गंदी राजनीति खेलने वाला है। उसी वक्त इंदिरा गांधी ने तुरंत सोवियत संघ के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली और इस ट्रीटी ने ही बहुत बड़ी मदद पहुंचाई भारत को, जब सोवियत संघ ने अपने सबमरीन्स को भेज दिया और उन सबमरीन्स को देखकर डरा हुआ अमेरिका अपनी 7th फ्लीट को लेकर आगे बढ़ा ही नहीं। अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान को छोड़ दिया और हश्र ये हुआ कि पाकिस्तान 2 पार्ट में बट गया। भारत को बहुत अच्छे से पता है, यूक्रेन के साथ भी यही कर रहा है। जब तक यूक्रेन का पलड़ा भारी है तब तक उसे आर्म और हथियार और बारूद मिलेंगे। जैसे ही उसका पलड़ा हिलेगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारत ने यही वजह है कि अपनी एक गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, न तो इस तरफ न तो उस तरफ। और भारत के पास रूस के खिलाफ नहीं जाने के बहुत सारे वजह हैं और बहुत सारे एहसान भी हैं। पर अमेरिका को भारत का ये रूप नहीं भाया और अमेरिकी संसद में बवाल शुरू हो गया। अमेरिकी संसद में ये मच गया है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, वो भी S-400 को लेकर। लेकिन अमेरिका के ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता और प्रभावशाली सांसद इसके खिलाफ खड़े हो गए। उनमें से एक ट्रेड क्रूज ने कहा कि S-400 के लिए भारत के ऊपर काट सा प्रतिबंध लगाना एक ऐसी मूर्खता होगी जिसकी कोई गिनती नहीं है। क्रूज ने कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट मिली है कि बाइडेन प्रशासन पृथ्वी पर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश
भारत के खिलाफ काटसा लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये फैसला असाधारण रूप से मूर्खता पूर्ण होगा। उन्होंने कहा, भारत कई क्षेत्रों में एक अहम साझेदार है और हाल के कुछ सालों में भारत और अमेरिका का गठबंधन और गहरा और मजबूत हुआ है, लेकिन बाइडेन प्रशासन इसे पीछे की ओर ले जाएगा। उन्होंने यूक्रेन में रूस के आक्रमण के निंदा प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए कहा, भारत ही तो एक अकेला देश ऐसा नहीं है जिसने ऐसा किया, और भी तो कई देश हैं। फिर भारत से अपने संबंधों को क्यों खराब करना चाह रहा है अमेरिका। खैर, अमेरिकी संसद में बवाल में कुछ सांसद हैं भारत के खिलाफ तो कुछ सांसद हैं भारत के साथ, लेकिन खामियाजा अगर भुगतना होगा तो फिर भुगतना होगा अमेरिका को ही, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन सब के बीच तीन देशों को भारत ने दे दी है सजा और भारत ने बड़ा वाला झटका दे दिया है। वैसे इन देशों को भारत झटका देगा इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड ये तीनों देश इस वक्त रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इनमें से दो देश के साथ तो डिफेंस की डील चल रही है भारत की। इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ कई तरह के व्यापार की बातें चल रही है, पर भारत इस बार कोई कोताही नहीं ले रहा है और भारत व्यापार हो, डिफेंस हो या रणनीति हो, अपने फायदे अपने नुकसान को देख रहा है। और हो ये रहा था कि ये तीनों देश भारत से मुनाफा कमाने के चक्कर में भारतीय व्यापार को बिल्कुल गिरा रहे थे। हो ये रहा था कि इन तीन देशों से सैचुरेटेड केमिकल मंगाए जाते थे, लेकिन इन देशों ने अपने यहाँ भारी सब्सिडी दे दी और इसकी वजह से भारत में आने वाले ये केमिकल काफी सस्ते होने लगे। अब लोकल बने हुए केमिकल बिक नहीं रहे थे। वैसे आपको बता दें, इन केमिकल्स का इस्तेमाल, इन सैचुरेटेड फैटी केमिकल्स का इस्तेमाल साबुन, शैम्पू वगैरह बनाने में हो रहा था। अब ऐसा हो रहा था जैसे लोकल उत्पाद की कीमत ज्यादा हो जा रही थी और इन देशों से आए हुए प्रोडक्ट की कीमत कम हो रही थी, जिसकी वजह से भारतीय बाजार को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब ऐसे में भारत ने इन तीन देशों पर हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिसके बाद बवाल मच गया है, क्योंकि ये तीन देश इतनी हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने से मना कर रहे हैं। अब इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और भारतीय सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारतीय बाजार को नुकसान कम होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये कदम उठाकर सही किया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।